नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल इंद्रनील राय आईआर में। दोस्त, अगर मैं बात करूं आपसे कि फेवरेट शो ये जादुई जिन जो अभी टेलीविजन की सबसे हॉट और सबसे बेस्ट शो तो है, क्या आप कभी सोचे हो इस शो की टीआरपी के बारे में? जहां अभी रिसेंटली न्यूज सामने आई कि ये टीआरपी की जो गिरी थी बहुत गिर गई थी, मतलब टॉप 10 में यह शो नहीं थी, लेकिन लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से यह सामने है ये शो अचानक 4 नंबर पे आ गया। अचानक मतलब जो शो 17-18 नंबर पे रैंकिंग कर रहा था वो 4 नंबर पे आ गया। मतलब आप समझ सकते हो शो में इंटरेस्टिंग क्या है। और सबसे बड़ी चीज क्या पता है, ये जादू जिनमें अभी इस शो में दो बार कोई बच्चा को लेकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। मैं अरमान की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप शो शुरू से देख रहे होंगे तो शुरू में कौन था, मिस्टर छोटू का कैरेक्टर दिया गया था। और अभी जो छोटा जिन आया है, जो चुनमुन आई थिंक ऐसा जो नाम है, उसको देने के बाद और फैंस बढ़ गए। सच बोलूं ना, ये जादू जिन में अगर जो इस तरह का भी सोच चल रहा है, जिस तरह फैन बेस बन रही है, सो बहुत ही जल्द टॉप 1-2 में, टॉप 3 में भी आ सकती है। हाँ, बात अलग है, कभी कभी रैंकिंग बहुत घटिया हो जाती है, मतलब रेटिंग बहुत घटिया हो जाती है, जो टॉप 10 से निकल जाता है, कभी टॉप 5 से निकल जाते हैं। लेकिन जिस तरह फैंस प्यार कर रहे हैं शो को, यही एक इससे पता चलता है कि यह जादू जिन के फैन कितने बड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जादू जिन के फैंस सिर्फ टेलीविजन में नहीं, ऑनलाइन में भी टॉप में कर रहे हैं। ऑनलाइन में तो टॉप 10 के अंदर हमेशा हो रहे थे, लेकिन ऑफलाइन में गिर रही थी, जो ऑफलाइन की बात हुई है 4 नंबर। ओके, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे, भाई ये क्या, ये टॉप ऑनलाइन की बात कर रहे हो या ऑफलाइन की? मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ओके, समझ गए। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें दोस्त। और हाँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंद्रनील राय आईआर चैनल पे आपको हमेशा लेटेस्ट खबर और बड़ी से बड़ी न्यूज आपके साथ शेयर किया जाएगा। दोस्त, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।